यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बावनखेड़ी गांव में आज हम बैठे हैं। बावनखेड़ी गांव वही है जहाँ 13 साल पहले एक लड़की शबनम ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। शबनम के चाचा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्तार है। शबनम की जो है दया याचिकाएँ खारिज हो चुकी हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसको फांसी होनी चाहिए? मेरा तो कहना यही है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति जो बड़े बड़े हैं वो, उनका मैं आदर करता हूँ। जिस टाइम भी हो, जो चाहें वो सजा दे सकते हैं। उस वक्त आप कहाँ पर थे 13 साल पहले जब ये घटना हुई? हम अपने गांव में थे। यहाँ जगह ही हमारी जमीन ही खेत है यहाँ। कैसे पता चला था आपको? हम गांव वाले और आरपी गुप्ता जो हैं, जो उनसे मुरादाबाद है इस टाइम, अच्छा वो लाए है, उन्होंने ही हमें ताली दी। अच्छा। और जो कोई गांव में चर्चा उठाते हैं कि शबनम के लौंडे को आएगी, सरकारी हो जा, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कह दी कि कोई भी कुछ भी कहे, तुम मत कहना कुछ भी। अच्छा। ये तो तुम्हारी, तुम्हारे बाप की गाड़ी, ये तो हमारी है, क्योंकि हमारे बाप ने ली ही। जब बाप के दो बेटे हों, एक मर जा है पूरा परिवार, तो दूसरे का अधिकार हो जा। लेकिन शबनम तो जिंदा है ना अभी? अभी जिंदा है, वो भी है। दोषी को, कतली को जमीन रखी है, ये बता दो तुम। नहीं, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि अगर किसी ने हत्या की है तो उसकी प्रॉपर्टी का हक खत्म हो जाएगा। हत्यारे हैं हम, अभी कहाँ हत्यारे हैं, हम नहीं हत्यारे अभी। जब ये ठीक है, इसके लिए दरवाजा खुला है, किसी टाइम भी आ सकती है। अगर शबनम चाहे कि इस प्रॉपर्टी को फांसी पे चढ़ने से पहले बेच दे या किसी के नाम ट्रांसफ़र कर दे, तो आपको कोई आपत्ति होगी? संपत्ति उसके बाप के नाम नहीं, उसके नाम नहीं है, उसके बाप के नाम है। शबनम ने ये भी कहा है कि उसने ये हत्याएं नहीं की। उसके बेटे की जो परवरिश कर रहे हैं उस्मान, जब अभी वो रामपुर जेल में मिलने गए थे तो शबनम ने कहा था कि मैंने ये हत्याएं नहीं की, मुझे फंसाया गया है। जब 13 साल होने चले तब बताया क्यों नहीं है? जब घर में, ये बताओ कि घर में एक लड़की है, वो चाय दे रही है बना कर, तो चाय में किन्ने मिला दिया। तो ये जो संपत्ति है, लगभग कितनी संपत्ति है शबनम की, शबनम के पिता के नाम? कोई ऐसी है 8 रुपये की? मतलब वैल्यू क्या होगी इसकी, कितने रुपए की प्रॉपर्टी? अरे ऐसे ही होगी 50 लाख की। नहीं, शबनम अगर चाहे तो एक एप्लीकेशन लगा के इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा सकती है किसी के भी नाम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं। जो मैंने कर्जा पटाया, मेरा कर्जा देगी ना? कर्जा मतलब? जो इनके बाप के नाम कर्जा है गांव का, हा कितना कर्जा था बतेरा, ये मेरे ध्यान नहीं है। तो इनके पिताजी के नाम, इनके पिताजी के नाम पे जो कर्जा था, हाँ, वो आपने चुकाया है? हाँ। तो आपको याद तो होगा कितना चुकाया है? मेरे ऐसा ध्यान नहीं है, कर्जा भी चुकाया है, 3 से 10 से लेकर 40 तक अपने बुड्ढों के भी मैंने पैसे दिए हैं। कितना कर्जा था शबनम के पिताजी का जो आपने चुकाया है? ऐसा मेरे ध्यान नहीं है, बहुत है। बहुत का क्या मतलब, हजारों में था क्या था? बहुत, लाखों में से भी कई लाख दिया। लगभग कितना? 4-5 लाख तो वहीं दिया, सिंडिकेट बैंक का। सिंडिकेट बैंक का 4-5 लाख का लोन था। हाँ। और बाकी? और 3 से 10 से लेकर 40 तक का खर्चा। तो 10 से लेकर 40 तक का जो खर्चा है, तो इतना तो आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं? अभी लगा ही रहा है। अच्छा। और जो चीज जेवर है, इसने अपनी मामी को दे दिया। कितना चीज जेवर था? चीज जेवर बहुत था, किलो के हिसाब से। इन 13 साल में क्या शबनम से आपकी मुलाकात हुई एक बार भी? नहीं। मतलब आप जेल मिलने कभी नहीं गए? ना। तो इतनी तो आपको भतीजी की अपनी याद आई होगी या कभी नहीं आई? भतीजी की याद नहीं आई, अपने परिवार की याद आती है। गांव के लोग तो ये कहते हैं कि फांसी ना हो, आ जा बे, ये हो जा, वो हो जा, सरकारी हो जा। शबनम की चाची इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम की दया याचिका खारिज हो चुकी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसको फांसी होनी चाहिए? नार जीवन कारावास में ही चली जाए।
मतलब अब पहले तो आप दोनों लोग ये बोल रहे थे उसको फांसी हो जाए, अब ये बदलाव कैसे आ गया? वो बात सही है, इसे जीवन का पता तो चलेगा कैसे रह रही हूँ मैं, कैसे ना रह रही, कैसे सुरक्षित यहाँ थी और वहाँ, कुछ एहसास तो होगा इसे कि हाँ मैं कैसे रह रही हूँ मैं। और को तो अब 13 साल चल लिया जब से इसने किसी को ना कबूल करा और जेल में रह रही है। और अब सबको सामने ये कहना है जी इन्हू चाची ने मिलाया, फलाने ने मिलाया, दिमागे ने, जो उसे उसकी शक्ल से हम जानते भी नहीं। उस्मान अभी जो इसके बेटे को पाल रहे हैं, उस्मान वही करा रिया, जो कुछ भी करा रिया उसी का ही है, सारे कहानियाँ जो है उस्मान ही करवा रिया सारे सारे काम। तो उस्मान जो है अभी रामपुर जेल में उसे मिलने गए थे, इसके बाद उस्मान से मेरी फोन पे बात हुई है। उस्मान का कहना यह है कि शबनम ने कहा ने देखा मुझे मिलाता हुआ, उससे ये मालूम करियो कि उस्मान से भी तुमने देखा उन्हें मिलाता हुआ, तुम चाची को जानते हो, कभी देखा आज से पहले? नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। उस्मान का कहना यह है कि शबनम का कहना है कि उसने ये हत्याएं नहीं की थी, साथ ही शबनम ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि आपने सलीम से उसको मिलवाया था और आपको सारी बातें पता रहती थी। नहीं, मैं बेकार में मैं गुनाह में नहीं फंसती, मैं ना ही दूसरी इसे शबनम को गुनाह में फंस रही, ना ही मैं खुद अपने आप फंस रही। मुझे नहीं पता, मैं नहीं उसे जानती थी, सलीम को बिल्कुल नहीं जानती नहीं थी। मैं नहीं जानती थी उसकी शक्ल से भी, हमें पहचान नहीं थे, हमने तो देखा भी पहली बार है। क्या कसम लिवा लो, क्या कुरान हाथ में दे दो, उस दिन देखा जिस दिन क्या केस खुला है, हम अपने ईमान से खारिज नहीं होने के। शबनम का किसी लड़के से अफेयर चल रहा है ये भी आपको नहीं पता? हमें नहीं पता, हम दूर रहते थे। अभी एक अखबार में ये भी खबर छपी थी कि शबनम के दादा ने आशंका जताई थी अपने जीवित रहते कि शबनम का चाल चलन ठीक नहीं है, क्या इसका आपको पता था? हम लोग बागों की पड़ोस में हवेली हैगी, उसके घर जाती थी, वहीं से ही बिगड़ी है ये, हमें तो बाद में पता लगा, जबकि ये केस खुला है जब का पता लगा, हमें नहीं पता, हम बेकार में तो किसी इस अफेयर का बिल्कुल भी आपको नहीं, नहीं हमें नहीं पता इस बात का, हम बेकार में किसी को गुनाह में फंसा देंगे? आपके ससुर ने कुछ कहे, वो कुछ भी कह रही है, हमारे ऊपर गोभी उलीच रही है, पर बेटी है फिर भी हमारे तन से, हमारी जिठानी की है तो हमारी है, पर हम गुनाह में नहीं फंसने के, हमें नहीं पता, वो कुछ भी कह रही है कहने दो। 13 साल पहले हुई इस घटना से पहले शबनम साहब के कैसे ताल्लुकात थे? जब छोटी सी थी तो सही थी, जब बड़ी हो गई हमसे दूर रहने लगी तो हमें कोई मालूम नहीं, हम आते जाते नहीं थे। तो आपकी बातचीत तो होती होगी ना? नहीं, बहुत कमी के साथ में बातचीत होती है, महीने 6 महीने में हो जाओ कोई बातचीत की। क्या आपको ऐसी कोई आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? मालूम नहीं इस बात की, नहीं इस हत्या होने से पहले सुनते रहते थे हम तो, औरों के मुंह सुनते रहते थे, पर हमने कुछ नहीं कहा, जब हम दूर अपने खाने पीने के हर बात से दूर थे तो हम क्या कहते, किसी की दूसरे की बेटी को क्यों हम उड़ाते, हम कोई अच्छे थोड़े लगते, हमारी भी बेटी लगती थी वो, पर इस वजह से हम नहीं। तो अब आप क्या चाहते हैं, उसको फांसी हो जानी चाहिए? जो सबको अच्छा लगे वही हमें अच्छा लगे, जो सरकार को अच्छा लग गया। तो इस प्रॉपर्टी का क्या? हमने तो सरकार को ही सौंप दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए उसकी दया याचिका कबूल हो जाती है, वो आजीवन कारावास में बदल दी जाती है, तो इस संपत्ति का क्या होगा जिस घर में आप रह रहे हैं? जिस घर में रह रहे हैं चचा हैगा तो उसका, अगर कोई नहीं रहता तो चचा तो मालिक रहता है उसका। मान लो अगर वो कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, तो चचा जब से संभाल लिया तो फिर नहीं थे चचा नहीं रह सकता वहाँ? नहीं, शबनम की तो प्रॉपर्टी से हक खत्म नहीं हो जाता ना, शबनम के कोई नाम थोड़ी है, उसके पिताजी के नाम पे है ना जी, तो उसके बाद किन की होगी? तो भाई के नाम पे नहीं आ सकती, अब जो अदालत करेगी हम उसी पे संतुष्ट है, अदालत के ऊपर ही, हम तो अदालत पे ही छोड़ रखा हमने तो, ये ऊपर वाला है और उसके नीचे अदालत है, हम बताऊं। इन 13 साल में आपने शबनम से मुलाकात की है कभी? नहीं, हमने एक दो बार करी थी तो हमसे सही नहीं करी उसने बात। क्या बातचीत हुई आपकी? वही मुझे छुटा लिया, मेरे कोई बस की थोड़ी थी जो मैं छुटा लेती, मुझे कोई नानी का घर थोड़ा ये मैं लिया होती, उसे लिया थी बुला के। कब मुलाकात की थी आपने? शुरू फिलहाल, तभी फिलहाल में। और क्या क्या बात हुई थी? कुछ नहीं।